गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट टू लेकर आए हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाएंगे। इसका पार्ट वन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। 101 नंबर, चौरी चारा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यह घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। चौरी चारा घटना है क्या, कब हुई थी, ये सब देखेंगे। तो यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। इसमें एक थानेदार तथा 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। आगे देखेंगे। सेकंड नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। थर्ड ऑप्शन है क्लीमेट एटली। यह भारत की आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे। डी ऑप्शन मैकडोनाल्ड। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ये प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे। 103 नंबर, किसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की योजना को प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 1942 में मुस्लिम लीग के द्वारा। आगे देखेंगे। 104 नंबर, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा कहाँ की गई थी, जापान के टोक्यो में, और कब किया गया था, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 नंबर, गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से आरंभ हुआ था? पूछ रहा है कहाँ से आरंभ हुआ था गांधी जी का दांडी मार्च। तो यह आरंभ हुआ था साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक, इनका दांडी मार्च आरंभ हुआ था। तो साबरमती आश्रम कहाँ है, तो यह है बी ऑप्शन, अहमदाबाद में। और दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे। 106 नंबर, किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया था? सूरत, चंपारण, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, चंपारण सत्याग्रह के समय से ही गांधी जी राजनीतिक में आए, और यह हुआ था 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में। इसके द्वारा तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो इनको कहाँ भेजा गया था 9 अगस्त 1942 को, तो यह पटना के बाकीपुर जेल में भेजा गया था। 108 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका समय है 1940 से 45 तक, सबसे अधिक टाइम तक एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, जो कि रांची में है, इन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे देखेंगे। 109 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक को। आगे देखेंगे। 110 नंबर, 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी थे, तो कहाँ थे महात्मा गांधी उस टाइम? तो उस टाइम महात्मा गांधी थे कोलकाता में। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो महात्मा गांधी कोलकाता में थे। आगे देखेंगे। 111 नंबर, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा प्रथम या अंतिम विदेशी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंट बेटन। आगे देखेंगे। 112 नंबर,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में उग्रवादियों का निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रस्ताव पारित न हो सका? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुई थी, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। सी ऑप्शन, कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष। यही सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। ए ऑप्शन, बनारस अधिवेशन 1905, इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखेंगे 13 नंबर, सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। 14 नंबर, निम्नांकित स्थान में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की घोषणा हुई, स्थापना हुई थी, उसके जस्ट बाद ही आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, और यह कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। आगे देखेंगे 15 नंबर, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, तो लंदन में कौन प्रारंभ किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 18 फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। कब किए थे? 18 फरवरी 1905 ईस्वी को। और इसकी स्थापना का उद्देश्य था भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा भारतीयों की सरकार को स्थापित करना। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था। इंडिया हाउस की स्थापना भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में किए थे। आगे देखेंगे 16 नंबर, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कितनी बार किए? तो यह कितनी बार किए थे? 116 का सही आंसर होगा एक बार। इन्होंने 1924 ईस्वी में बेलगांव के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, मात्र एक बार इन्होंने किया है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। 117 नंबर, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 1858 का अधिनियम। अब देखेंगे यह अधिनियम क्या था। तो इसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत के कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था। और उस समय ब्रिटेन के महारानी कौन थी? विक्टोरिया। उस समय जब 1858 का अधिनियम आया था, तो उस टाइम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। इस अधिनियम द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह से 1858 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे 118 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 119 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, तो कब पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 ईस्वी में। आगे देखेंगे 120 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापकों में से एक थे, तो इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। 121 नंबर, निम्नलिखित आंदोलन में से गांधी जी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो यह किसका नेतृत्व नहीं किया था? बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था, और यह मुस्लिम धर्म द्वारा चलाया गया पहला सुधारवादी आंदोलन था, जिसका केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी इसके संस्थापक थे, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले थे। आगे देखेंगे 122 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वह है
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, बी ऑप्शन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और यह अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के पारित के समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस तरह से इसका सही आंसर होगा बी नंबर। आगे देखेंगे 123 नंबर, निम्नलिखित में कौन गदर आंदोलन से संबंध था, मतलब किनका संबंध गदर आंदोलन से था। गदर आंदोलन का संबंध लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल से था। आगे देखेंगे 124 नंबर, काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे, तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। 125 नंबर, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो 1939 ईस्वी में जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ा था तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के अधिवेशन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद हो गया था, जो कि विवाद काफी बढ़ गया था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ दिए थे और अपना त्याग पत्र दे दिए थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता की थी और उसी समय कांग्रेस के अंदर ही रहकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किए थे। आगे देखेंगे 126 नंबर, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था, ते होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे 127 नंबर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो यह होगा 1918 के अहमदाबाद हड़ताल में इन्होंने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। आगे देखेंगे 128 नंबर, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे, इसका सही आंसर होगा एम एन राय। आगे देखेंगे 129 नंबर, 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे, तो वे थे 1919 के अधिनियम को अभी हमने देखा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो यह व्यक्ति कौन थे, मॉन्टेग्यू। 130 नंबर, लौह पुरुष के रूप में कौन से भारतीय नेता जाने जाते थे, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 131 नंबर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो यह कौन थे, ये सी नंबर राजगोपालाचारी, और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम एवं अंतिम सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 22 मार्च 1947 को लॉर्ड बेबेल का स्थान लिया था। 3 जून 1947 को इसके द्वारा एक योजना तैयार की गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक योजना तैयार की गई थी जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, और यह योजना मूल रूप से भारत विभाजन की योजना थी। आगे देखेंगे 132 नंबर, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था, तो इसका कारण था चौरी चारा कांड के कारण असहयोग आंदोलन इन्होंने स्थगित कर दिया था। 133 नंबर, बानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है, तो बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो यह बाकीपुर जेल में कैद रखा गया था। 135 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वंदे मातरम उपलब्ध है? तो वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, जिसके लेखक बल्किम चंद्र चटर्जी थे। इसमें मतलब आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया गया है। ए नंबर ऑप्शन है गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसके लिए इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1904 ईस्वी में किसने किया? तो 1904 ईस्वी में ये लॉर्ड कर्जन का समय है, और भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए पैसेज टू इंडिया का लेखक है ई एम फॉस्टर। फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि 1944 ईस्वी में अहमदाबाद में जब ये जेल में थे तब यह पुस्तक लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 ईस्वी में। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। 138 नंबर, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? किसने किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल। 139 नंबर, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया? तो यह क्यों किए थे? हिंदू समाज में विभाजन के कारण, ये समाज में विभाजन नहीं चाहते थे इस कारण। 140 नंबर, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी थी, तो इनका आत्मकथा क्या नाम था? सत्य का प्रयोग। इनका आत्मकथा के क्या नाम था? सत्य का प्रयोग। इन्होंने 1925 ईस्वी में ये पुस्तक लिखना शुरू किया था, तथा 3 फरवरी 1929 ईस्वी में यह पूरी हो गई थी। और इस पुस्तक में क्या है? तो सत्य का प्रयोग, इनकी जो आत्मकथा है, इसमें सत्य, अहिंसा एवं ईश्वर का मर्म समझाने के विचार को लिखा गया है, और यह गुजराती भाषा में लिखा गया था मूल रूप से। 141 नंबर, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बल्किम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को उल्लेख किया गया है। 142 नंबर, किसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। आगे देखेंगे 143 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, और इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में कब की गई थी? 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 144 नंबर, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। 145 नंबर, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण आंदोलन का नेता हम सबको पता है महात्मा गांधी थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में,
उसके बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। 147 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस लिया? तो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में और इसे वापस लिया गया 1911 ईस्वी में। 149, लाल कुर्ती आंदोलन का उद्देश्य था? सही आंसर होगा डी नंबर, भारत से अंग्रेजों को भगाना। 150 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 151, रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था? तो रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में ही इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। 152 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? सच्चिदानंद सिन्हा, एशियन टैगोर, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी सबसे पहली बार चुने गए थे। 153 नंबर, कलकत्ता में भारत की राजधानी कब तक रही? तो 1911 ईस्वी तक रही थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी 1947 के आसपास, तो 46-47 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। 155 नंबर, लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? तो यह साइमन कमीशन आया था, इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था और लाला लाजपत राय लाहौर में इसके विरोध कर रहे थे जिसमें पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। आगे देखेंगे 156 नंबर, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किए थे क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग चाहते थे। ये चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर अंग्रेजों का खिलाफ लड़ाई लड़े। नेक्स्ट देखेंगे 157 नंबर, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। 158 नंबर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित किया गया था। 159 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? सही आंसर होगा बी नंबर, उत्तरी अमेरिका। 160 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका प्रकाशित किया गया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ए नंबर ऑप्शन नवजीवन, यह गांधी जी द्वारा 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में प्रकाशित किया गया था। सी ऑप्शन हरिजन, यह पत्रिका गांधी जी द्वारा ही 1933 ईस्वी में पूना में प्रकाशित किया गया था। और नवजीवन एवं हरिजन ये दोनों पुस्तक हिंदी और गुजराती भाषा में प्रकाशित की गई थी। 161 नंबर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर, निम्न में किस नेता ने
उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की कड़ी आलोचना वंदे मातरम नामक पत्र में की थी। तो अरविंद घोष इसका सही आंसर होगा, बी नंबर, अरविंदो घोष। 163 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो यह सरोजनी नायडू द्वारा बोला गया था, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 164 नंबर, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो यह बिहार में चंपारण में प्रयोग किया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 ईस्वी में जेबी कृपलानी थे। 166 नंबर, ऐतिहासिक डांडी मार्च का संबंध है? तो डांडी मार्च का संबंध नमक कानून तोड़ने से है, नमक कानून तोड़ने के लिए ही डांडी मार्च चलाया गया था। 167 नंबर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में इन्होंने किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रकाश कब प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में किया गया था। 169 नंबर, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं, जेबी कृपलानी। 170 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। सी नंबर है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह कब से कब तक चलाया गया था? तो यह 1922 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक चलाया गया था। देखेंगे बारदोली सत्याग्रह क्यों चलाया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह यह गुजरात में ब्रिटिश सरकार द्वारा 25% लगान में वृद्धि किए जाने के कारण चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? यह गुजरात में चलाया गया था, और शुरू में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे, लेकिन इन्हें गिरफ्तार हो जाने के कारण फिर से इसको 1925 ईस्वी में यह दोबारा चलाया गया। और 1925 ईस्वी में जब चलाया गया था दोबारा, तो इसके नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह में सबसे पहले नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और 1925 ईस्वी में दोबारा चलाया गया इसको, तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। आगे देखेंगे 171 नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किन्होंने सबसे पहली बार कहा था? सुभाष चंद्र बोस। 172 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे देखेंगे 173 नंबर, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 174 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 1942 ईस्वी में की गई थी। 175 नंबर, साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी, जो बाद में उनकी मृत्यु के कारण बनी? लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी लाठियों के प्रहार से। 176, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो जब सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। और एक त्याग पत्र कब दिए थे? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ है? यह एमपी के जबलपुर में है।
तो 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण यह त्याग पत्र दे दिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए। आगे देखेंगे 177। अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तत्कालीन कारण था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र को काम करने का कर्जन का अभिकल्प। 178 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। 179 नंबर, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इनको 1925 ईस्वी में बनाया गया था और यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी। 180, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया था। 181, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और यह समाप्त हो गया था 1911 ईस्वी में। 182 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन इंग्लैंड ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने था, जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 183, डांडी यात्रा की गई थी, तो डांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 185, सोजे बतन पुस्तक के लेखक हैं, तो सोजे बतन पुस्तक के लेखक हैं प्रेमचंद्र। 186, किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ने वाली ये लाठियों अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में किलों का काम करेगी? तो यह कहा गया था लाला लाजपत राय द्वारा, साइमन कमीशन के विरोध जब इन्होंने किए थे लाहौर में, तो इनके ऊपर जो लाठियां बरसाई गई थी उसके लिए यह कथन कहा गया था इनके द्वारा। 187, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? तो इनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एनी बेसेंट, यंग इंडिया गलत है, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया गलत है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, सी ऑप्शन सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। 190, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्न में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा गया था? तो यंग बंगाल कहा गया था हेनरी डिरोजियो को, ऑप्शन नंबर बी हेनरी डिरोजियो। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बल्किम चंद चटर्जी, और यह आनंद मठ से लिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक, तो श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। 193 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चौकी। 194, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 195, निम्नलिखित में किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? आजाद हिंद फौज से किसका संबंध नहीं था? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, भगत सिंह। तो आजाद हिंद फौज के बारे में अगर हम डिटेल्स में बात करें तो
देखते हैं कैसे की गई थी इसकी स्थापना। तो 1942 ईस्वी में जापान की सहायता से जापान की राजधानी टोक्यो में रास बिहारी घोष ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना संगठन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति होने के नाते सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इनके अनुयायी ही सुभाष चंद्र बोस को प्रेम से नेताजी कहते थे। अपने सरकार यानी कि आज़ाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों पद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ही संभालते थे। तो इस तरह से आज़ाद हिंद फौज का संबंध सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र रास बिहारी बोस और मोहन सिंह तीनों से है, इसका संबंध भगत सिंह से नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा डी नंबर। 196 नंबर, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो इनका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। 197, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। 198, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो इसका अध्यक्ष चुना गया था खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मुहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली थे, लेकिन अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया गया था और यह खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। आगे देखेंगे 199 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो यह अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 200, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।